हे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन सिद्धार्थ लाइव। और लेकर आ गया हूँ एक और जबरदस्त रिव्यू। आज का रिव्यू है मेरी खुद की ब्रांच का, ठीक है। ब्रांच का नाम है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसकी एक खासियत है इसके नाम में कि आपको जनरली मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग मिलेगा, लेकिन NIT त्रिची में यहाँ पर मटेरियल्स लिखा जाता है। और जनरली लोग अपने रिज्यूमे में ये गलती कर देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस की। तो यहाँ पर जो मोड रहने वाला है वो रहने वाला है CCMT। आपका एडमिशन CCMT के थ्रू ही होगा। गेट स्कोर यहाँ पे 570 मिनिमम चला जाता है। CGPA की बात करें तो मिनिमम 6.5 CGPA या 60% आपके होने ही चाहिए मार्क्स। अब आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पर अनएकेडमी लेकर आया है आरोहण बैच गेट 2023 ESC 2023। ये एक बाइलिंगुअल बैच है, मतलब दोनों लैंग्वेज में होगा। मैकेनिकल का है, बैच का नाम है क्यू। यहाँ पर ये बैच स्टार्ट होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ, जिसे आदित्य गुप्ता सर पढ़ाएंगे, जो 6:30 बजे से स्टार्ट होने वाला है। इसके साथ साथ इसकी डेट है 24 नवंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवीण कुलकर्णी सर, SK मोंडल सर, आकाश त्यागी सर, JS गिल सर जैसे बड़ी बड़ी फैकल्टीज यहाँ पर पढ़ाने वाली है। इसके साथ साथ अनअकैडमी लेकर आया एक बहुत ही बढ़िया ऑफर। यहाँ पर क्या है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, जिससे आप लोग करीब करीब 17,995 रुपए बचा सकते हैं। देखिए, आप लोग कैलकुलेशन को एक बार समझ लीजिए कि जैसे आप 32,000 का सब्सक्रिप्शन है पर आपको 14,000 का सब्सक्रिप्शन अलग से फ्री मिल रहा है। फिर आप क्या करते हैं, मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं SID12334, जो लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में कोड के साथ दे दी है। तो उधर से आप करीब 3,245 रुपए बचाते हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा 15 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 30,000 रुपए मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी डील है, मैं ये कहूंगा तुरंत के तुरंत लीजिए अगर आप गेट की तैयारी करने जा रहे हैं। बात करते हैं हम लोग कुछ बेसिक चीजों की, जैसे कि डिपार्टमेंट। तो यहाँ के डिपार्टमेंट का नाम है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। इस ब्रांच के अंदर जनरली 4 से 5 ब्रांचेस आ सकती हैं। अगर आपने MSc किया है फिजिक्स में तो आप इस ब्रांच में आ सकते हैं, प्रोडक्शन में किया है तो आ सकते हैं, मैकेनिकल में किया है तो आ सकते हैं, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में किया है तो आ सकते हैं, और मेटलर्जी इंजीनियरिंग में किया है तो आ सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि टोटल अराउंड 21 सीटें हैं, जिसमें करीब करीब 2 से 3 MSc फिजिक्स के लिए, मेटलर्जी के लिए देखेंगे तो आप करीब 6 से 7 सीटें रहती हैं। इसके साथ साथ मैकेनिकल के लिए 10 से 12 सीट हैं। मैकेनिकल के अंदर ही प्रोडक्शन को भी शामिल किया गया है। अगर आप लोग ब्रांच का पर्पस देखेंगे तो ब्रांच का पर्पस यही है, मटेरियल्स पे काम करना, अलॉयज पे, मेटल पे, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है। अटेंडेंस का क्या काम है, 75% अटेंडेंस वैसे होनी चाहिए क्लासेस के ड्यूरिंग। इसके साथ साथ आपको डेली जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट साइन मारने स्टाइपमेंट के लिए। आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने MME डिपार्टमेंट का टूर नहीं देखा है तो ऑलरेडी हम लोगों ने अपने वीडियो में टूर डाल दिया है, तो टूर को जरूर देखें। उस टूर में मैंने आपको लैब्स वगैरह सब कुछ घुमाया है। इसके साथ साथ लोड एंड प्रेशर की बात करें तो बहुत कम रहता है, मैं कहूँगा ऑनलाइन में तो बिल्कुल भी नहीं था। एग्जाम्स की बात करें तो 2 मिड सेम होते हैं और 1 एंड सेम होता है। बात करते हैं टीचर्स की, टीचर्स बहुत कूल हैं, बहुत चिल हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। इसके साथ साथ लैब्स की बात करूंगा मैं तो कुछ लैब्स क्या है, MME डिपार्टमेंट के अंदर ही लगती हैं। इसके साथ साथ कुछ लैब्स ओजस में लगती हैं। इसके साथ साथ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की हमारी खुद की एक लैब है MME डिपार्टमेंट के पीछे, तो वहाँ पर वेल्डिंग की लैब, मेटलर्जी की लैब और मटेरियल्स की लैब है, तो वहाँ भी प्रोजेक्ट होते हैं। तो आप कहीं भी प्रोजेक्ट ले लीजिए, उसके हिसाब से आपको लैब का पता चल जाएगा। कुछ इक्विपमेंट्स या ओजस में भी होते हैं तो ओजस में भी काम करने जाना पड़ता है। इसकी बात करें तो इंटर्नशिप्स की बताओ तो इंटर्नशिप्स वैसे जो पेड इंटर्नशिप्स होती हैं कंपनीज की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं, मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ही लेस लोगों को मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ बताओ कि बहुत सारे लोग जो अनपेड इंटर्नशिप्स होती हैं अपने प्रोजेक्ट्स को DRDO में, टाटा स्टील में, इसके साथ साथ DMRL में, बड़ी बड़ी जगह पर कर रहे होते हैं हमारे टीचर्स के सपोर्ट से। की बात करें तो करीब 80% प्लेसमेंट्स है, 6 से 7 लाख का एवरेज पैकेज रहता है। लेकिन मैं बता दूं आधे बच्चे करीब करीब जैसे 21 बच्चे हैं तो करीब 4 से 5 बच्चा डेटा साइंस में जाता है, 2-3 बच्चा मेटलर्जी कंपनी में और बाकी सारे बच्चे मैकेनिकल कंपनी में जाते हैं। प्रेफरेंस की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग मैं एनर्जी ब्रांच के ऊपर इसको प्रेफरेंस देता हूं, क्योंकि एनर्जी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए। हाँ, अगर आप केमिकल वगैरह से आए हैं तो थोड़ा कोर ब्रांचेस में आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। मैकेनिकल से आते हैं, मटेरियल साइंस में आते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रोडक्शन वालों के लिए। मेटलर्जी वालों के लिए थोड़ी कम अपॉर्चुनिटी रहती है, पर अगर वो डेटा साइंस वगैरह में करें तो बढ़िया उनका प्लेसमेंट हो सकता है।
मैं आपको बस इतना सा ही बताऊंगा कि आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम से आपको बहुत सारे फायदा मिल सकता है। इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए कोई भी डाउट है पूछने के लिए, एफबी पेज को इन्फॉर्मेशन के लिए ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो हमारा एमएमई डिपार्टमेंट का टूर है उसे जरूर देखिए। इसके साथ साथ हमने बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाए हैं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट सीरीज चल रही है, तो उसे फॉलो करिए अपने बढ़िया प्लेसमेंट्स के लिए। बने रहे, जुड़े रहे सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। नमस्कार।